हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जारी है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स पर। आज हमने उसके न्यूमेरिकल करने हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लें। आइसोलेटिंग ग्लोबुलर प्रोटॉन पार्टिकल्स, क्या हो रहा है कि प्रोटॉन पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी गिवन है आपके पास। इट फॉल्स फ्रॉम प्योर वाटर, वो जो प्रोटीन्स के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के ऊपर गिर रहे हैं, जिसकी आपके पास ईटा गिवन है वैल्यू, विद अ टर्मिनल वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर हॉर, टर्मिनल वेलोसिटी भी गिवन है। आपने क्या करना है कि जो पार्टिकल है उसका फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, ये जो रेडियस के प्रोटीन्स गिर रहे हैं उसका रेडियस आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले गिवन डेटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी रॉ इज इक्वल टू 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। देन ईटा की वैल्यू गिवन है, वो लिख लेते हैं। ईटा इज इक्वल टू 8×10⁻⁴ न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, वो हम लिख लेते हैं। वी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर आवर। अब यहां पर एक मसला क्या है कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं है, सेंटीमीटर पर आवर में है, तो हमें पता है वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो सबसे पहले इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल है, 3 / 100 × 60 × 60, तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज 8.33×10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस आपने फाइंड आउट करना है। सिंपल, हमने टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे, वहां से हम आर निकाल लेंगे। क्या फार्मूला होता है जी टर्मिनल वेलोसिटी का? दैट इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू 2gr² रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये फार्मूला होता है सिंपल, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है आपके पास। ये आर हमने निकालना है, आर स्केयर इधर ही पड़ा रहेगा, ये चीज डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2g रो को इधर आके डिवाइड करवा देंगे। देख, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं इस फार्मूले को, कैसे आर स्केयर बराबर आ जाएगा 9 ईटा मल्टीप्लाई हो गया vt से, तो 9 ईटा मल्टीप्लाई बाय vt डिवाइडेड बाय, देखिए ये 2g रो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये मैं लिख रहा हूं 2g रो। ठीक है जी, सिंपल फार्मूला था, हमने रीअरेंज कर दिया। अब सिंपल आप क्या करें, वैल्यूज आपके पास गिवन है, इसके अंदर पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर पुट करें वैल्यूज को। 9 मल्टीप्लाई बाय ईटा की वैल्यू ये रही 8×10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय vt टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ये भी हमने निकाली 8.33×10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2। जी क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है, दैट इज उसकी वैल्यू के 9.8। सिंपल आप 9.8 पुट कर दें, और इसी तरह रो की वैल्यू भी गिवन है, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 1246, ये भी इसके अंदर पुट कर दें। सिंपल आप, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर निकालें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। हमें आर की चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा अभी उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2.45×10⁻¹2। हमें आर चाहिए तो आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पर, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2.45×10⁻¹12। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो मैं यहां पर लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू 1.56×10⁻⁶ meters, that is the value of the radius of this protein particles। ठीक हो गया, तो सिंपल आपने टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला यूज करके उसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 देख लें। अ वाटर फ्लोस थ्रू अ होज, होज होता है नाली जिसके अंदर से वाटर, पाइप कह सकते हैं आप, जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, उसका जो डायामीटर है, जो उस पाइप का डायामीटर है, दैट इज इक्वल टू
1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड, और कितनी स्पीड से वाटर जा रहा है उसके अंदर से 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक हो गया जी। वो कह रहा है व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, ये जो नोजल है इफ द वाटर इज टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है कि अगर वाटर इतनी स्पीड से अंदर दाखिल हो तो कितना उस पाइप का डायमीटर होना चाहिए कि वो इस स्पीड से वाटर उसके अंदर मूव कर सके, ठीक हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखें डायमीटर गिवन है, जिसको हम सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले डायमीटर गिवन है D1 का नाम देंगे, D1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा 0.01 मीटर हो गया, और वेलोसिटी V1 कह दें, V1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। और व्हाट शुड बी दैट डायमीटर, आपने D2 फाइंड करना है, एंड वेलोसिटी V2 गिवन है, दैट इज 21, V2 भी गिवन है, V2 इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड। सिंपल, बहुत इजी, आपके पास न्यूमेरिकल है तो बात करते हैं सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। हमने पढ़ी हुई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब एरिया है, सर्कल है, सर्कुलर नोजल होती है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसको आप लिखेंगे पाई R1 square is equal to V1 is equal to, इसी तरह इधर भी पुट कर दें, पाई R2 square into V2, ठीक हो गया। क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है तो हमें रेडियस तो नहीं चाहिए ना, हम इसको डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे। देखिए सिंपल हमारे पास फार्मूला होता है, डायमीटर D is equal to 2R, यहां से R निकाल रहा हूं तो 2 इधर आके सिंपल डिवाइड हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं जी, और यहां से देख लें क्या कटिंग हो सकती है, पाई पाई से कट गया, R1 की जगह वो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा जी D1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इनटू V1 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इनटू V2, ठीक हो गया। तो ये आप स्क्वायर खोल दें, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है D2, ये D2 निकालना है। सिंपल इस फॉर्मूले को आप क्या करें, रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा D1 square V1 इज इक्वल टू D2 square इंटू V2। आपको D2 चाहिए, D2 V2 की इधर आके डिवाइड करवा दें तो D2 square इज इक्वल टू B1 square into V1 divided by V2। इस square को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, square ले लेंगे तो आपके पास एक formula बन गया आएगा, that is equal to D1 बाहर आ जाएगा, square root V1 divided by V2। formula आ गया है सर, formula आ गया, सिंपल तीनों values मौजूद है, values put कर दें और answer निकाल लें, पीछे तो easy काम है जी। D1 की value क्या है, 0.01, square root V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू है 1 पुट कर दीजिए, और V2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 21 आपने पुट कर दिए। कैलकुलेट करेंगे जी तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा उस नोजल का, दैट इज इक्वल टू 2 × 10³ मीटर्स इज योर डायमीटर ऑफ द नोजल। तो सिंपल आपने कौन सा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। Dear student, next numerical number 3. A pipe near the lower end of a large water tank, a large water tank hai. Uske andar kya hota hai? Small leak and a stream of water shoots from it. Ek tank hai, uske andar ek surakh ho jata hai, jiski wajah se water bahar niklne lag jata hai. Theek ho gaya ji? The top of the water in the tank is 15 meter above the point of leak. Jahan se wo leak kar raha hai, usse उसकी हाइट कितनी है टैंक की, दैट इज 15 मीटर। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए सॉल्व करेंगे, तो उसमें सॉल्यूशन के तौर पर सबसे पहले आपके पास हाइट गिवन है, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर ए की तरफ चलते हैं, दो पार्ट हमने सॉल्व करने, सबसे पहले ए देख लें, वो कह रहे विद व्हाट स्पीड वाटर रशेस फ्रॉम इट, वो जो सुराख हुआ है कितनी स्पीड से वो जो पानी है वो उस सुराख से बाहर आ रहा है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल सा फार्मूला हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू वी
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 जी एच, देखिए दोनों चीजें मौजूद हैं, वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल लें। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन फोर्स होती है 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू गिवन है दैट्स 15, तो पुट कर देते हैं 15 आ गया जी, तो कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। पार्ट ए सॉल्व हो गया, अब चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी, इफ द होल हैज, वो जो आपके पास सुराख है उसका एरिया है 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर से कितना उसके अंदर से वाटर जाता है। सिंपल है, आपके पास एरिया गिवन है, इसका मतलब है एरिया गिवन है ए इज इक्वल टू 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर है जी। यहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में वॉल्यूम पर सेकंड का फार्मूला पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम कि कितने सेकंड में कितना फ्लूइड पास करता था। यहां पर फ्लूइड जो है वो वाटर है, वो कह रहा है कि उस होल के अंदर से कितना पास कर रहा है, तो इसलिए वो कोरिलेट कर रहा है। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सेकंड इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय वी। सिंपल, आपने क्या करना है, एरिया और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। एरिया की वैल्यू देख लें यहां पर गिवन है, और वेलोसिटी की अभी हमने निकाली है दैट इज इक्वल टू 17, तो वैल्यूज पुट कर दें, मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर आ जाएगा बस मल्टीप्लाई बाय 17, तो दैट इज इक्वल टू 1 वॉल्यूम पर सेकेंड जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर क्यूब इज द योर आंसर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम। एक वाटर एक क्लोज पाइप सिस्टम से गुजर रहा है, एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, ये लिख लेते हैं V1 पर क्या है, वन पॉइंट पर क्या मतलब वेलोसिटी है, V1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। अदर पॉइंट पर मतलब आपके पास H1 जो है, H1 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर्स, और V2 वेलोसिटी कितनी है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, देखिए एक पाइप है आपके पास इस तरह का कुछ, हायर पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट है, ठीक है। यहां पर हाइट उसकी जो है उसको हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू H1, और यहां पर उसकी जो हाइट है H2 वो ग्राउंड पर है, तो H2 का मतलब क्या है, H2 क्या होगा दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, और लोअर पॉइंट पर प्रेशर गिवन है हायर पर, उसने कहा है फाइंड आउट करके, तो अपर एट हायर अपर पॉइंट पर फाइंड करना है, लोअर पॉइंट पर गिवन है, इसका मतलब यहां पर प्रेशर क्या होगा P1 होगा, इधर प्रेशर क्या होगा P2 होगा, इसलिए हमने क्या करना है P1 फाइंड आउट करना है, P2 गिवन है, तो मैं लिख रहा हूं P2 इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू 80 × 10³ पास्कल हो जाएगा, और आपने फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द प्रेशर P1। तो सिंपल क्या करेंगे आप, इसका बहुत इजी है सबसे पहले, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, बर्नौली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो यहां पर अप्लाई हो रही है, P1 आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो यहां पर बर्नौली इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, P1 प्लस 1 और सॉरी रो जी H1 प्लस 1 ओवर 2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, ठीक हो गया जी। हमने P1 फाइंड आउट करना है, इन सब को आप उधर ले जाएंगे तो एक फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P2 प्लस, ये उधर जाके माइनस होगा तो ये मैं कॉमन ले लूंगा रो जी H2 माइनस H1, इसी तरह ये इधर जाके माइनस होगा इसके साथ, तो प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक हो गया जी।
और ये आपके पास P1 का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये सारी वैल्यूज ये देखें, ये लिखी हुई है, गिवन है, सिंपल वैल्यूज पुट करने हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने और आंसर निकाल लेने हैं। आपने P2 क्या है, दैट इज इक्वल टू 80 × 10³ प्लस रॉ डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है भाई, डेंसिटी तो गिवन ही नहीं है, देखें सिंपल वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी की वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 H2 आपने पुट कर देना है, H2 इज इक्वल टू 0 है, ये आ जाएगा -3 प्लस 1/2000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे V2 का स्केयर। V2 क्या थी जी, वेलोसिटी 4 है, V1 3 है, तो 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर क्या होगा 9 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेटर चाहें जी तो आपके पास P1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 47.1 किलो पास्कल इज योर आंसर। देखें बस सिंपल था, आपने क्या देखना है कि अपर पॉइंट पर प्रेशर कम है, लोअर पॉइंट पर क्योंकि वाटर तेजी से फ्लो कर रहा होता है, नीचे से जा रहा होता है, तो वहां पर प्रेशर क्या है ज्यादा है, यहां पर 80 पास्कल था, यहां पर 47.k पास्कल किलो पास्कल आपके पास आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 5 देख लें। एन एरोप्लेन is designed so that when the speed of the air across the top of the wing is 450 meter per second, वो कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, उसका जो पर है, पर उसके टॉप से जो एयर की वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 450 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया जी, द स्पीड ऑफ द एयर बिलो द विंग, और इस विंग के बिलो जो है वो क्या है, वो स्पीड है 410 मीटर पर सेकंड। What will be the potential difference between the top and the wing? वो कह रहा है कि potential difference इन दोनों top और bottom का आपने बताना है कि top पर कितना है pressure और नीचे। तो सबसे पहले given क्या है, given लिख लेते हैं, given solution में आ जाए, तो given है आपके पास velocity v1 given है, that is equal to 450 meter per second, and v2 given है, that is equal to 410 meter per second। ठीक हो गया, और प्रेशर आपने फाइंड करना है, इसका मतलब P2 माइनस P1 आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हाइट की बात करें तो देखें सेम हाइट पर ये होगा, H1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H2 होगा यहां पर। ठीक है, हाइट बराबर है, इसका मतलब अब हमने अप्लाई क्या करना है, क्योंकि हम फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या है बर्नौली इक्वेशन यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। बर्नौली इक्वेशन क्या था जी, P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक हो गया, देखिए हाइट बराबर है, उसका मतलब ये कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपने P2 P1 फाइंड आउट करना है, तो सिंपल फार्मूला क्या बन जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2 रॉ कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है जी, इसी फार्मूले को हमने रीअरेंज कर लिया, देखिए P2 P1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इस फार्मूले को हम रीअरेंज किया तो ये आ गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2 रॉ V1 स्केयर माइनस V2 स्केयर। सिंपल आप देखें वैल्यूज गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1.29 डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखनी है। अंदर पुट करने जा रहे हैं जी वैल्यूज, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 1/2 रॉ है आपके पास 1.29, V1 थी 450 और 410, इसके अंदर पुट कर दें जी, 450 का स्केयर ले लेंगे माइनस 410 का स्केयर ले लेंगे। ठीक हो गया जी, एवेल्युएट कैलकुलेट करेंगे, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, आंसर विल बी द 22.1 किलो पास्कल। इस यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा एयरप्लेन के विंग। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6, The radius of aorta is about 1 cm. देखिए ब्लड के अंदर क्या होता है, डिफरेंट काइंड के आपके पास ब्लड क्लॉट्स होते हैं, उसकी वो कह रहे हैं उसका एक नाम है aorta, उसका रेडियस कितना है, दैट इज इक्वल टू 1 cm।
तो सबसे पहले हमारे पास आर वन रेडियस आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर रेडियस आ गया आर वन. ओके हो गया. देन द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द इतनी स्पीड से उसके अंदर से क्या है ब्लड जा रहा है जिसका जिसकी स्पीड कितनी है उसको हम वी वन का नाम दे देंगे. दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. देखें वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सिंपली 100 से डिवाइड आउट कर दें. 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड. ठीक हो गया जी. रेडियस गिवन है, वेलोसिटी वी वन गिवन है. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ब्लड थ्रू कैपिलरीज. कह रहे कैपिलरीज से वही ब्लड गुजर के जाता है वहां पर आपने स्पीड बताई है डायमीटर जान के घुमाने के लिए आपको डायमीटर दे दी. इसकी जरूरत हमारे न्यूमेरिकल के अंदर नहीं है. सो द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अबाउट जिस कैपिलरी से वो गुजर रहा है उसका एरिया गिवन है. दी एरिया एरिया इसका मतलब ए टू हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर है. इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर स्क्वायर ए टू. ठीक हो गया जी. हमने फाइंड आउट करना है वी टू वेलोसिटी. आपने फाइंड आउट करनी है वी टू वेलोसिटी. यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी वी टू. सिंपल हम इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगाएंगे वो थे ये ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू. देखें ए वन एरिया एरिया में देखें रेडियस में गिवन है इसको हम लिख सकते हैं पाए आर वन का स्केयर. वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू. हमें वी टू चाहिए तो ये ए टू की यहां जरूरत नहीं है इसको इधर डिवाइड करवा दें तो वी टू इज इक्वल टू पाए आर वन स्केयर वी वन डिवाइडेड बाय ए टू. देखिए आप हमारे पास फार्मूला रीअरेंज कर लिया हमने सिंपल. अब ये सारों की वैल्यूज यहां पर मौजूद है इसके अंदर हम पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे वेलोसिटी निकाल लेंगे वी टू. वी टू इज इक्वल टू देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर वन की वैल्यू क्या है 0.01 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी वन की वैल्यू क्या है दैट इज इक्वल टू 0.3 वो भी पुट कर देते हैं जी 0.3 डिवाइडेड बाय ए टू. ए टू की वैल्यू है 0.2 तो सिंपली आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें पुट कर दिए हमने कैलकुलेटर लगाएं जी. कैलकुलेटर लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁴. वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर आंसर. दिस इज वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल है जी. सिंपल आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल करके इसको आपने आंसर निकाल लिया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7. अ लार्ज हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ द एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट कैन रिप्लेनिश द एयर ऑफ द रूम. रूम का वॉल्यूम गिवन है टाइम गिवन है उसके बाद एयर गिवन क्या है कि हीटिंग डक्ट क्या होता है. हीटिंग डक्ट जो होता है वेंटिलेटर होता है एक किस्म का जो कि गर्म हवा को कमरे के रूम के अंदर से बाहर निकालता है. ठीक हो गया. उसका कह रहा है कि आप मुझे फाइंड आउट करके दें इतनी वेलोसिटी से उसके अंदर से एयर मूव करे तो उसका रेडियस आपने फाइंड आउट करना है बेसिकली ना. और कह रहा है कि वो जो एयर है उसकी डेंसिटी जो है वो रिमेंस कॉन्स्टेंट होनी चाहिए. देन जो गिवन वैल्यूज है वो मैं लिखने लगता हूं. सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है वेलोसिटी गिवन है. वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. सिंपल हो गया जी. आपने रेडियस फाइंड आउट करके देना है. उसके बाद आ गया इट कैन रिप्लेनिश एयर. वॉल्यूम गिवन है वॉल्यूम इज इक्वल टू 300 मीटर क्यूब. उसके बाद टाइम गिवन है टाइम कितना है 15 मिनट्स. 15 मिनट्स को सबसे पहले आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 सेकंड्स टाइम आ जाएगा. ठीक है जी. अब आ जाते हैं फार्मूले. देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम डिवाइडेड इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय वी. दिस इज द फॉर्मूला. हमने क्या करना है रेडियस फाइंड आउट करके देना है. सिंपल वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दें
वॉल्यूम की वैल्यू है 300, उसके बाद टाइम की वैल्यू है 900 इज इक्वल टू एरिया को कहेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी। आपने आर की वैल्यू निकाली, इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड करवा देंगे जी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यूज को पुट कर दें जी, 300 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू है 3 भी अंदर पुट कर दें, इसको मल्टीप्लाई आंसर करेंगे और उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रेडियस की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो बहुत इजी फार्मूला था आपके पास, ये थे आज के हमारे टॉपिक था न्यूमेरिकल्स का। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई, लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।